तो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो मतलब दो तीन दिनों के बाद मैं वापस व्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए आज दोपहर में हम लंच में क्या खाने वाले हैं, तो उसकी हम आपको बढ़िया सी एक रेसिपी दिखा रही है। तो ये रही हमारी मैडम। और मैं बना रही हूँ अभी पिज्जा के लिए। देखिए, वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से कटिंग कर लिए हैं पतिदेव ने, और मैं अभी वेजिटेबल्स को फ्राई कर रही हूँ। तो अभी पे इसे थोड़ा सा तेल डाल दिया था, और कैप्सिकम, टमाटर और कांदा, और साथ में थोड़ा सा नमक डाल के इसे कच्चा पक्का ही सेकना है हमें। तो मतलब ये जो वेजिटेबल शॉप की है उसको सॉटे कर रहे हैं, और उसको मतलब कच्चा पक्का ही रखना है, गलाना नहीं है। और यहाँ पे देखिए, मैंने पिज्जा के ड्रेसिंग सॉस बना ली है, जिसमें मैंने ओरिगेनो, चिली फ्लेक वगैरह सब कुछ डाल दिया है, सीजनिंग वगैरह, और मियो चीज। तो हम लोग बनाने वाले हैं दो पिज्जा, मेरे लिए और पतिदेव के लिए। दोनों आज खाएंगे पिज्जा खाने वाले। दोपहर का लंच है पिज्जा। तो यहाँ पे देखिए, पिज्जा ब्रेड सब कुछ यहाँ पे पड़ी है। स्वीटूडी मैडम आराम से सोई हुई है, क्योंकि कल हमारे जो चैनल में हम लोग ने डाला है वीडियो, गुजराती चैनल में। अगर आपको आपको इसकी रेसिपी देखनी है, फुल रेसिपी देखनी है, तो ये भी फुल रेसिपी है, पर वो आपको गुजराती में अगर देखना है तो कानाक्या फैमिली आप चैनल सर्च करके आप देख सकते हो। उसमें पनीर पिज्जा बनाया है, और वो भी ऑर्डर का देने का था ना, इसलिए हमने 10 पिज्जा उधर, पर हमें आज वापस मन हो गया कि चलिए। तो मैं जाके और 4 पिज्जा के ब्रेड लेके आया हूं, थोड़ा सा 1-2 मिनट और फ्राई कर देंगे। तो यहाँ पे मतलब हल्का सा, क्योंकि कैप्सिकम है और कांदा है, तो हल्का हल्का पानी तो छोड़ेगा ही। तो पानी सूख जाने के बाद हम ये तभी बंद कर देंगे गैस, फिर पिज्जा बनाना स्टार्ट कर देंगे। कल भी खाए थे तो वापस मन हो गया कि चलिए पिज्जा खा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अपने ये वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक गए हैं, और पानी वगैरह सारा कुछ सब कुछ सूख गया है फटाफट। तो चलिए कच्चे भी डाल सकते हैं फ्रेंड, पर हमें कच्चे पसंद नहीं आते, ये थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा ये पके हुए, कच्चे पके हुए ही अच्छे लगते हैं। तो अभी ये तभी अपन ऐसे ही बरकरार रखेंगे, क्योंकि इस पे अभी सेके जाएंगे पिज्जा के ब्रेड। तो ये ले लिए हमने नाइफ, देखिए मस्का भी एकदम मस्के के जैसा कट हो रहा है, और डाल दिया तवी के अंदर। अभी आएंगे पिज्जा के ब्रेड। तो यहाँ पे देखिए पिज्जा के ब्रेड एकदम इटालियन डिजाइन में। जी मैडम, बराबर ना। एक साइड जो ऊपर का साइड है ना फ्रेंड्स, उसमें थोड़ा बटर डाल के थोड़ा सा सेक लेते हैं। जरूरत हो तो करने का, हमें तो अच्छा लगता है ऊपर का बेस से सेकने के लिए, तो थोड़ा क्रिस्पी लगता है। थोड़ा दोनों साइड सेक लेंगे तो थोड़ा बढ़िया लगता है। तो देखिए यहाँ पे अपना एक ब्रेड बढ़िया से एकदम सिक गया है, तो उस पर डाल देते हैं ये जो पिज्जा का ड्रेसिंग है, वो सारा कुछ ओरिगेनोस, चिली फ्लेक्स, सीजनिंग सब हमने इसमें डाल दिया है। मियोनीस, फिर ये लिक्विड चीज। अभी डाल देते हैं उसके ऊपर वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजीज, क्योंकि आज तो वेजीज वाला ही पिज्जा खाएंगे, पनीर वाला नहीं, क्योंकि कल तो पनीर वाला खा लिया था। हम डाल देंगे लिक्विड चीज की ड्रेसिंग। तो देखिए कैसे गोल गोल जलेबी के जैसे जलेबी भाई। फिर जाएगा उस पे मौज में रहने वाला चीज, मोजरेला चीज। देखिए ये छोटे छोटे डाइस में ही आता है, ये डाइस वाला ही अच्छा लगता है ना पिज्जा के ऊपर, यही डालने का। तो देखिए हमारे राजकुमार आ गए कुछ। ये क्या लेके आए आप? शुगर सिरप। शुगर सिरप क्यों से लाए? रखो, कुछ तो लेके आए मालूम नहीं। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी चीज डाल दी एकदम क्यूब्स वाली। अभी इसको भी यहाँ पे सेकने के लिए रख देंगे। इसके ऊपर अभी थोड़ा सा बटर डाल देंगे हम लोग। माइक्रोवेव में नहीं कर रहे हैं, ओवन में। इसलिए डायरेक्ट तवी पे ही कर रहे हैं, क्योंकि दो ही पिज्जा, इसलिए तवी पे कर देंगे फटाफट। ऊपर से ढक देंगे तो पिज्जा वगैरह भी, अपना जो चीज वगैरह है, वो बढ़िया से एकदम मेल्ट हो जाएगी।
तो ये रख दिया हमने पिज्जा हमारा। अभी इसे ढक लेंगे और मीडियम गैस पे 5 मिनट तक सिकाई होने देंगे। तो देखिए इतना बड़ा कटोरा रख दिया है। मैंने बोला था कि वो ऊपर वाला ढक्कन रख दो, तो ऊपर वाला है ना वो चीज के ऊपर लग गया। हाँ मतलब चिपक जाएगा छोटा है। ये क्या okay. अच्छी तरह से शेप। हाँ ये अच्छा मतलब शेप देगा ये। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो हाथ में दिव्य बोल रहा था कि सिरप है वो हमारा पोपट बना रहा था, एक्चुअली ये क्या है दिव्य? गोवा का तेल। एक्चुअली ये कोकोनट ऑयल है। हाँ मेरी जो मदर इन लॉ है उसके बाजू में जो आंटी रहती है कैथलिक, उनके घर का बना हुआ प्योर कोकोनट ऑयल है। देखिए एकदम प्योर कोकोनट ऑयल गोवा का। अभी ये ऑयल हम लोग इसमें वगैरह सब मेथी वेथी वगैरह में दिखाऊंगा डालने के लिए, सब लेना जाना पड़ेगा। हाँ ये आयुर्वेदिक सब रहता है ना, बराबर सोचा है कि थोड़ा सा ऑयल नया कुछ बनाएंगे। ओके तो चले जरा यहाँ पे घूंघट उठा के देख लेते हैं। दोस्तों देखिए एकदम करारा और चीज भी सारी मेल्ट हो गई है। इतना बड़ा कटोरा रखे तो अभी ये पिज्जा को थाली के अंदर परोसा जाएगा और अभी इसकी होगी कटिंग सेरेमनी। तो कटिंग सेरेमनी भी अपना देसी जुगाड़ देख लीजिए। यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं तवी था उससे ही कट होगा और ये है ना मेरे से वो नाइफ में नहीं कट हो रहा है। ओके तो देखिए ये अच्छा है। देखिए आप क्रिस्पीनेस और करारा आवाज आप सुन सकते हो कि कितना बढ़िया क्रिस्पी और करारा हो गया। इससे अच्छा कटिंग होता है, वो नाइफ से पिज्जा कटर से तो मेरे से होता ही नहीं। ये है देसी जुगाड़। तो चलिए ओह देखिए चीज कितना मतलब लंबा लंबा धागा छूट रहा था। देखिए आह ये लचीलापन देखिए चीज का, इसे बोलते है मौज में रहने वाला चीज, मोजरेला चीज। तो वापस से यहाँ पे ढकना ढक गया है इतने बड़े कटोरे का। और यहाँ पे हमारा पिज्जा भी बनके रेडी है। तो चलिए आप राजकुमार साहब को ही पिज्जा दे दीजिए, वो तो खा लेगा। चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। कल तब तक के लिए देखते रहे वी आर के फैमिली ब्लॉग। बराबर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। और ये पिज्जा कैसा आपको लगा रेसिपी जरूर कमेंट कीजिएगा। जरा शांति